सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम नाम। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27। एक वृत्त लगाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान तथा दो दी हुई असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी को स्पर्श करें। तो दो रेखाएं दी हुई है ए बी और सी डी, तो हम दो रेखा ले लेते हैं। ये हमारी रेखा आ गई है ए बी, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और एक रेखा हमारे पास दी हुई है सी डी, हम एक असमानांतर रेखा ले लेते हैं सी और डी। तो हमने कैसा वृत्त लगाना, इन दोनों रेखाओं को छुएगा, उसके लिए हमें हेल्प के लिए दिया हुआ है एक व्यास, अर्ध व्यास दिया हुआ है, व्यास नहीं अर्ध व्यास है, तो हम अर्ध व्यास ले लेते हैं एक यहाँ पे। अर्ध व्यास का नाम हमें दे रखा है ए, तो सारा खेल इस अर्ध व्यास का ही है। हमने बस इतनी प्रकार खोल दी अर्ध व्यास की, जितनी इतनी रखनी है जब तक हमारा वृत्त ना लग जाए। ये हमने बना दी, ए से चाप लगा दो, इतनी प्रकार खोल के आप बी से चाप लगा दो, इन चापों को ऊपर से मिला दो। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने अर्ध व्यास जितनी प्रकार खोलनी और इसको कम ज्यादा नहीं करना। यहां से हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, इस तरह से। हमने क्या करना है, प्रकार हमारी उतनी है जितनी हमने पहले खोल रखी थी, हमने डी पॉइंट पर प्रकार रखनी है और यहां से हमने चाप लगा देनी है इस तरह से। फिर हमने सी पॉइंट पर प्रकार रखनी है, इधर भी हम चाप लगा देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन चापों को भी हमने ऊपर से मिला देना है। इस तरह से ये हमने मिला दी है चापे। अगर आप चाहो तो इनके नाम दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं जी एल, और ये आपका है ई और एफ। अब जहां पे ये मिल रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ आपने जितना आपका ये अर्ध व्यास इतनी प्रकार खोल के आपने यहां से सर्कल लगा देना है। तो ये जो आपका सर्कल आएगा ये दोनों रेखाओं को छुएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे दोनों रेखाओं को छुएगा ये, और इसका जो अर्ध व्यास है वो भी उतना है जितना कि हमें दिया था। इस तरह से ये एंगल है आपका, ये आपकी प्रॉब्लम है 27 नंबर प्रश्न आपके लिए है। इस तरह से बन के हमारा तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 28। एक वृत्त लगाओ जो तीन रेखाओं ए बी ए सी और सी डी को स्पर्श करे। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, ए बी और फिर है ए सी, मीन्स ये ए के साथ ही मिली हुई ए कॉमन है, फिर है ए सी के बाद है सी डी, मीन्स सी भी इसमें कॉमन है। तो हमने ये तीनों रेखाएं मतलब मिलती हुई आपस में मिलती हुई जो है वो तीन रेखाएं हमने लगानी है। तो यहाँ मैं देखता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारा आ गई ए बी, इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। अब अगला है ए सी, तो यहीं से हमने जो है वो ए सी रेखा लेनी है। तो ये मतलब असमानांतर होगी ये रेखा यहाँ से, तभी हमारा जो है वो वृत्त सही बनेगा। ये इस तरह से ये हमारी आ गई ए सी। अब हमने लेनी है यहाँ से सी डी, तो सी डी यहां से ही हमने लेनी है, तो यहां से हम ले लेते, ये आप देख सकते हैं ये हमने ले ली सी डी। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो आपके पास ये एक कोण ये है, एक कोण ये बन रहा है, हमने क्या करना है इन कोणों के आधे कर देने,
इस तरह से हम ये आपके कोण हैं, इन कोणों के हम अध कर देंगे। इस तरह से हम यहां से आगे चाप लगा देंगे, यहां से भी हम चाप लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी यहीं पे कट रही है, इस तरह से, और हम इनको आगे मिला करके आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन। इस तरह से हमने जो आपके पास सी कोण है, इस सी कोण का भी हमने समधि भाजन कर देना है इस तरह से। आप चाहो यहां से यहां तक भी प्रकार खोल सकते हैं, यहां से यहां तक भी प्रकार खोल सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने आपके भी किया है इसी तरह से भी आप समधि भाजन कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ समधि भाजन करने का है। तो इस तरह से यहां पे डॉटेड लाइन लगा देंगे, जहां पे ये समधि भाजन वाली रेखा है दोनों आपस में कट रही, ये पॉइंट आपका आ गया ओ। अब यहां से कितनी प्रकार खोलनी है ये हमें नहीं बताया है प्रश्न में। हम क्या करेंगे इसके लिए, लंब गिराएंगे। यहां पे हमने ए बी रेखा पे चाप हम लगा देंगे, लंब गिराने के लिए हमें चाप लगानी पड़ेगी इस तरह से। ये चाप हमारी यहां पे कट रही है, यहां से हम नीचे को चाप लगा देंगे इस तरह से, और यहां कट रही है यहां से हम जो है इस चाप को यहां से काट देंगे इस तरह से। अब जहां पे ये कट रहा है हमारा, ये हमारा कट रहा है जहां पे दोनों चापे आपस में यहां पे कट रही है, यहां पे हम जो है वो इसको ओ के साथ मिला देंगे यहां से। हमारा उद्देश्य कि यहां हमारा जो पॉइंट आ गया ये हमने लेना था यहां से, ये हमने पॉइंट लेना था ये। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एन, और जो हमने ये चाप लगाई ये है आपकी, ये ई पॉइंट है और ये आपका है एफ पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये एन पॉइंट है ओ से एन जिनी प्रकार खोल के यहां से सर्कल लगा देंगे। ये जो सर्कल आपका लगेगा ये तीनों रेखाओं को छूता हुआ लगेगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहां से, ये देखिए आप देख सकते हैं, अभी इस रेखा को यहां छू रहा है, इस रेखा को यहां पे छू रहा है, और इस रेखा को यहां पे छू रहा है। और ये हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, ये बनके तैयार।